हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैडी योगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 का मॉडल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग देख लेते हैं। ये रही ड्राइंग, इसे हमें मॉडल करना है सॉलिड वर्क में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे और ओके कर देंगे। पहले सेव कर लेते हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम देते हैं एक्सरसाइज 5। डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, ठीक है जी, हो गया। अब चलिए थोड़ा सा पहले रिव्यू करते हैं ड्राइंग को। ये ड्राइंग हमारी, इसमें देख रहे हैं जैसे कि आप एक राउंड सा पोर्शन है जिसमें का होल है 16 mm का। एक तो हमें राउंड सा पोर्शन बनाना है, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाना है और फिर इसने पोर्शन को हमें ये जोड़ना है जो कि एल शेप में होगा, ठीक है। उसमें फिर ये एक छोटी पतली सी पट्टी भी बनानी है इसके ऊपर ऊपर। तो ये चार काम करने हैं हमको, फिर रेडियस वोडियस भी लगाने हैं, वो बात की बात है। तो अब बात आती है इसे बनाएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं चाहूँगा कि हम इसमें आसान से आसान तरीका यूज करें इसे बनाने के लिए, नहीं तो ये बहुत टिपिकल भी हो सकता है। बनने के बहुत तरीके हैं लेकिन टिपिकल नहीं चाह रहा हूँ मैं, सिंपल तरीके से बनाने के लिए। तो पहले हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, इसका राउंड पोर्शन खींच लेंगे फ्रंट प्लेन पे, सेंटर लाइन जनरेट करेंगे, वर्टिकल कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, सर्किल कमांड ले लिया हमने, दो सर्किल बना देते हैं यहाँ पे, जिसमें से अंदर वाले की आईडी है कितनी 16 mm और बाहर वाले की 38 mm। कुछ नहीं, 16 mm डाल देते हैं यहाँ पे, 38 mm इसको डाल देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ, ब्लैक शायद ये फिक्स नहीं है, हो गया ये फिक्स, ब्लैक हो गया, ठीक है। 16 और 38 का डायमीटर बन गया हमारा ड्राइंग के हिसाब से। 25 mm एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, फिनिश करेंगे स्केच को। फ्यूचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे, 25 mm की वैल्यू डाल देंगे और जैसा कि मिड प्लेन से बराबर एक्सट्रूड कर लेंगे, ओके कर देंगे। चलिए, जितना काम तो हो गया। अब देखिए, यहाँ से इस फेस से 100 mm की दूरी पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो मैं एक नई कमांड यूज करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, इस फेस से 100 mm की दूरी पे एक प्लेन ले लूंगा, ठीक है, प्लेन जनरेट करूंगा। तो प्लेन लेने के लिए देखते हैं यहाँ पे एक, ये देख रहे हैं रिफरेंस ज्योमेट्री, रिफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे। ये यहाँ से बोला सिलेक्ट रिफरेंस एंड कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट रिफरेंस किस रिफरेंस से लेना आपको, मेरे को इस रेफरेंस से लेना है। क्लिक करते ही देखिए इसने फेस दिखा दिया, किस फेस को क्लिक किया आपने। अभी बोला है कितनी डायमेंशन, 100 में डाल रखी है, ठीक है, 100 डाल देते हैं इसको। ये आ गया प्लेन, लेकिन याद रखिए मुझे इसके बैक साइड में बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्केच इधर से बनाया है तो ये बैक साइड में बनेगा, पीछे के साइड में। तो मैं यहाँ पे फ्लिप ऑफसेट का एक होता है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये दिखा रहा है 1, ये इसलिए कि आपको कितने प्लेन आपको बनाने हैं। जैसे मैं बढ़ा दूंगा संख्या इसकी, तो देखिए ये बढ़ रहे हैं, हमें एक ही चाहिए तो हम एक कर देंगे इसको, ठीक है। और ये सब हमें नहीं देखना है अभी, सेकेंड रेफरेंस आ ये सब बाद में देखेंगे, तो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ इसको ओके कर दूंगा, ये प्लेन आ गया मेरा। बस स्केच जाना है, स्केच जनरेट करना है इस प्लेन पे और नॉर्मल टू कर लेना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसको ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाने वाला हूँ। एक रेक्टेंगुलर का सिंबल लिया, ये रेक्टेंगुलर है, कॉर्नर रेक्टेंगुलर, इसमें 3 टाइप के रेक्टेंगुलर आते हैं। सेंटर रेक्टेंगुलर होता है, 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, मुझे कॉर्नर रेक्टेंगुलर लेना है, ठीक है। छोटा वैसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से चल दिखाता हूँ मैं आपको। इसे क्लिक किया और इसको लाके ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। डायमेंशन देखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, इसके सेंटर से 75 mm की हाइट पे ये ख़त्म होता है। ये देख रहे हैं 75 mm, यहाँ से ये रहा 75 mm, 25 mm हमने ये दिया, उसके बाद 45 mm इसकी विड्थ हो गई,
ये हो गई 45 mm। इसके बाद आप देख रहे हैं ये सेंटर पे है, सेंटर से 10-19 mm इधर है, तो सेंटर लाइन कौन सी है? सेंटर लाइन ये हो गई सर्कल सेंटर लाइन, मतलब ये वाली लाइन। मैं सेंटर लाइन खींच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट से दे देता हूँ, चाहो तो आप सेंटर लाइन भी ले सकते हैं ऐसा करके। तो सेंटर लाइन जो तो नहीं है इसको हम बैक करेंगे और ये वाली जाके इसको हम शो कर लेंगे। पुरानी सेंटर लाइन आ गई, अगर आपको उसको दोबारा चाहिए तो आप इसे क्लिक करिए, देखिए ये कन्वर्ट एंटिटी की कमांड ना, इसको क्लिक करिए और इस पर करिए, इस पर करिए क्लिक, दोनों लाइनों पर ओके कर दीजिए, ये आपकी आ गई सेंटर लाइन अपने आप। फोर क्वेश्चन कर दीजिए, नई सेंटर लाइन जनरेट हो गई। तो मैं यहाँ से डायमेंशन कर देता हूँ इसको, कितना था ये 1900 mm मैंने ये दे दिया, और यहाँ से 50 mm इधर है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्लिक करके 50 mm की डायमेंशन ले दिया, अब कुल मिला के फिक्स हो गया रेक्टेंगुलर, ऐसे ही होगा ये। और एक चीज़ और, इसमें होल भी है, तो चलिए इसी बार में होल भी बना लेते हैं, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। होल है, होल की साइज देख लेते हैं, होल का आईडी है 16 mm, 18 mm ऊपर से, 22 mm साइड से है, ठीक है। 16 mm आईडी, 18 mm हाइट से और 22 mm साइड से, ये हो गया, ठीक है। बस फिनिश करेंगे स्केच को, जैसा कि देख रहे हैं ड्राइंग में 10 mm का एक्सक्लूड इधर, क्योंकि हमने 100 mm लास्ट तक ले लिया है प्लेन को, तो अब हमें इसकी इस साइड में काम करना है आगे की साइड में। तो फ्यूचर में जाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे इसको, कितना करना है 10 mm करना है, 10 mm की वैल्यू डाल देंगे, ओके कर देंगे। चलिए जी, दो काम हो गए हमारे, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे ये बनाना है एक एल स्टेप में शेप में, और इसी को पट्टी जनरेट करनी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं थोड़ा सा ये टफ था, इसको हाइड कर देते हैं, बट ये सिंपल ही है। चाहो तो आप प्लेन ले सकते हैं, प्लेन को आपको कहाँ रखना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे जाएंगे और इसमें राइट प्लेन क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और 0 mm की वैल्यू दे देंगे। आप इसको नहीं भी लेते तो सीधे राइट प्लेन पे स्केच बना सकते हैं, जैसे कि मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, स्केच में जाएंगे, स्केच ले लेंगे और राइट प्लेन ले लेंगे, राइट प्लेन अपने आप स्केच ले लेगा, इसी पॉइंट पे लेगा और उसको नॉर्मल टू कर देंगे। इसने हमें लेफ्ट हैंड दिखा दिया, कुछ नहीं घुमा कैसे कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं, बन गया, ठीक है। अब हम इसको हमें एल टाइप में बना लेते हैं, कुछ नहीं है, बस एक ऐसे ऐसे ब्लॉक बना देते हैं और एक ऐसे ब्लॉक बना देते हैं, सेट कर लेते हैं इसको, इसको इस फेस पे कोलिन लगा लेते हैं, डाइमेंशनिंग करते हैं इसको, इसको पहले ट्रिम भी कर देते हैं यहाँ से, ये जो ये दो लाइन हो रही है ना, डिलीट करके एक लाइन कर दीजिए इसे, सिंपल भी आप बना सकते हैं लेकिन मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया। अब इसको मैं जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ से 3 mm इस फेस से छूटा हुआ है, 3 mm मैं यहाँ से और यहाँ तक डायमेंशन करूँगा, 3 mm भी हो गया। उसके बाद ये कितने की सीविड्थ होने वाली है, 10 mm दिखा रहा है, 10 mm टोटल पूरा है, 10 mm मैं इसकी चौड़ाई कर दूंगा। और अभी मैंने इसको फिक्स नहीं किया सेंटर पे, तो ये जो ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा हाइट, ये देखिए ये है ना, ये मेरे को इस लाइन को इसको फिक्स करना है, फिक्स हो गया, जैसे कि ये दिख रहा ना, ये सेंटर, ये यहाँ दिखा रहा था, ये सेंटर लाइन पे फिक्स होगा, और नीचे से मैं इसको यहाँ से फिक्स कर देता हूँ, दो लाइनें आ गई इसमें, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको ट्रिम कर देते हैं, एक मिनट ये यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, अब ट्रिम करते हैं, ये हो गया। अब 10 mm की वैल्यू मैं ऊपर दे देता हूँ, तो ये 10 mm की वैल्यू हो गई मेरी पूरी, इतना काम हो गया ये, ठीक है जी। अब चलिए इसी बहाने पट्टी बना लेते हैं,
यहाँ से क्लिक किया, इसे क्लिक किया इसको और यहाँ तक ले गए इसे, ठीक है। एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ट्रिम कर देते हैं। जैसा कि ड्राइंग में देख रहे हैं इसकी भी 10 एम की थिकनेस है, तो 10 एम मैं इसको भी दे दूंगा यहाँ से। इसको भी दे देता हूँ, ठीक है। कितना बचेगा? 2 एम बचेगा, चेक कर सकते हैं लास्ट में, 2 एम ही बच रहा है सर, ठीक है। हमारा स्केच इतना काम हो गया, चलो फिनिश करते हैं इसको। अच्छा काम हो गया, अब 3D काम रह गया, देख रहे हैं बिल्कुल ठीक बना है। इसको डार्क करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक 10 mm का जो दिख रहा है, इसको एक्सट्रूड करना है, लेकिन कितना, 38 mm, मतलब ये इक्वल इक्वल बराबर बराबर दूरी पे, मतलब 19x19 ये एक्सट्रूड होगा। फ्यूचर में जाएंगे, किसी लाइन पे क्लिक कर देते हैं। क्या करना है हमको, इसको थीम को हटाना है, पेज सिलेक्शन करना है, अच्छा देखिए एक चीज़ देखने को मिली, ये यहाँ पे ना ये स्केच छूट रहा है, इसका मतलब है तो ये बंद नहीं होगा, ये एक्सट्रूड होगा ही नहीं। सामने से चेक कर लेते हैं एक बार सही से, ये छूट के तो टॉप करते सामने लाइन थोड़ी बाहर भी निकल ली, इसको डिलीट कर देते हैं, बस यस कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड में जाएंगे, ये सिलेक्शन करेंगे, मर्ज को ऑप्शन हटा देंगे और थिन की कमांड भी हटा देंगे। कितना करना है मुझे, 38 mm मिड प्लेन से ग्रास के बराबर, हाँ ठीक है, ओके कर देते हैं। इसके छट जाएगा, जैसा कि एक्सट्रूड करते ही शो करना पड़ेगा दोबारा। ऊपर वाला पोर्शन कितना करना है एक्सट्रूड, 10 mm करना है, मतलब वो तो मिड प्लेन 10 mm फिर हटाएंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, 10 mm की वैल्यू डाल देंगे, मर्ज नहीं रहने का, मर्ज हटा रहेगा, मिड प्लेन ओके। कितना काम हो गया? अब क्यों मैंने मर्ज हटाया था, इसलिए क्योंकि मैं इसको आसानी से ट्रिम कर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दूँ, क्वाइट कर देते हैं पहले, डिस्टर्ब करेगा स्केच, ठीक है। इंटरसेक्ट में गए, इन तीनों को क्लिक किया, फिर तीनों बॉडी को इंटरसेक्ट कर दिया, अंदर की बॉडी जिसे हटाना है उसे क्लिक किया और ओके कर दिया, ये इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। अभी देखना ये दोनों मेरी बॉडी जो है जुड़ी नहीं है, अलग अलग है, तो इन दो को जोड़ने के लिए एक कमांड का यूज करते हैं। जब भी हम कभी किसी बॉडी को जोड़ना होता है तो मर्ज में जुड़ जाता है यूज करते वक्त, लेकिन मर्ज के अलावा अगर मुझे दो बॉडी जोड़नी है तो डायरेक्ट एडिटिंग में जाते हैं, कंबाइंड कमांड होती है, कंबाइंड को यूज करते हैं। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया और ओके कर दिया, देखा ऐड सब्ट्रैक्ट कॉमन, तो मुझे ऐड करना है, ओके कर दिया, अब मेरी पूरी एक बॉडी हो गई है। कैसे चेक करेंगे बॉडी एक है तो कुछ नहीं, एवलेट में जाके अगर मास्क मास्क देखेंगे तो देखिए हो गया, मास्क क्या चाहिए बाद में बताऊँगा मैं इसके बारे में, ठीक है। रेडियस लगाने का काम रह गया है, रेडियस लगा लेते हैं, कौन सा पहले लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये 5 का रहेगा, इसमें 10 mm का ऑफसेट होता है, ये वाला 10 का हो जाएगा, ये 5, ये 10 और ये 25। फ्यूचर में जाएंगे, फ्लैट का यूज करेंगे, 5 mm, उसके बाद ये हो गया कितने का, 5, 10, 15 का ये रेडियस हो गया, और ऊपर वाला एक रेडियस और लगा देंगे, ये 25 का हो जाएगा, जैसा कि ड्राइंग में शो कर रखा है।
25 का ही हो गया, 3 रेडियस तो ये लग गए हमारे। उसके बाद एक रेडियस कह रहा है ये 30 का ही हो गया, 25 का ही हो गया। फ्लैट में जाएंगे, 30 का ये हो गया, 25 का ये हो गया। ओके, एक छोटा सा रेडियस और दिख रहा है ड्राइंग में, ये वाला कॉर्नर, चलिए ये भी लगा देते हैं 2 का। 2 mm की जगह भी छूट रही थी, 2 का ही लगेगा अभी, इक्वल इक्वल। तो कुल मिला के देख सकते हैं होल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये पोर्शन बन गया पूरा रेडियस लग के, नीचे का पोर्शन बन गया, राउंड पोर्शन बन गया। थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं, कुल मिला के मेरा ये जो मॉडल है पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी सेंटर लाइन भी दिखा देते हैं हम आपको, यहाँ पे प्लेन लेंगे और राइट प्लेन जो आता है यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं। दिख रहा है ये जो सेंटर दिखा रहा है, ये पूरा एक, ये पूरा सेंटर हो गया, एक सेंटर पे हो गया ये, ठीक है, वाइड कर देते हैं। तो कुल मिला के मेरा ये मॉडल जो है कंप्लीट हो गया फ्रेंड। इसमें कुछ थोड़ा क्रिटिकल था पहले से ज़्यादा, और कुछ नई कमांड भी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो कंप्लीट हो गया मॉडल। आगे वीडियो में मैं आपके लिए और भी कुछ नया लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।